हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, इफ़ 10 ऑफ द पॉलीनोमियल ए स्क्वेयर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 6 है, इस रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मतलब हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमारा जो गिवन पॉलीनोमियल दिया हुआ है, गिवन पॉलीनोमियल दिया हुआ है और जीरोस हमें क्या दिया हुआ है, रेसिप्रोकल दिया हुआ है ऑफ द अदर। तो फर्स्ट हम जो जीरो मानेंगे उसका रेसिप्रोकल जो होगा, दूसरा जीरो जो मानेंगे वो होगा। और हमें यहाँ क्वेश्चन से क्या फाइंड करना होगा, ए की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो गिवन पॉलीनोमियल दिया हुआ है, गिवन पॉलीनोमियल को फर्स्ट हम क्या मान लेंगे, पी ऑफ एक्स मान लेंगे। जो हमारा क्वेश्चन में पॉलीनोमियल दिया हुआ है उसे फर्स्ट पी ऑफ एक्स मान लेंगे। गिवन पॉलीनोमियल इक्वल टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू जो गिवन दिया हुआ है उसे लिख लेंगे। उसके बाद जीरोस को मान लेंगे, लेट द जीरोस आर अल्फ़ा एंड 1 बाई अल्फ़ा। क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में ही तो दिया हुआ है जो जीरोस होगा वो फर्स्ट जो जीरोस है, फर्स्ट जीरोस को हमने क्या माना है, अल्फ़ा माना है। तो दूसरा जीरो क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल। तो अल्फ़ा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाई अल्फ़ा होता है। इसी तरह से हम दो जीरो मान लेंगे, तो फर्स्ट जीरो अल्फ़ा एंड सेकेंड जीरो 1 बाई अल्फ़ा मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस करेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होती है सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होते हैं। तो अभी सम ऑफ जीरोस मतलब क्या करेंगे, जो जीरोस हमने माना है दो जीरो, अल्फ़ा एंड 1 बाई अल्फ़ा माना है, तो अल्फ़ा एंड 1 बाई अल्फ़ा क्या करेंगे, सम करेंगे। तो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो गिवन पॉलीनोमियल में हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। एक्स का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, 15 दिया है। तो माइनस यहाँ पर माइनस है, फॉर्मूला का माइनस, तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 15 होगा। डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, हमारा गिवन पॉलीनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या दिया हुआ है, ए स्क्वेयर प्लस 9 दिया है। तो ए स्क्वेयर प्लस 9 ये होगा। यहाँ से तो हम ए की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा प्लस 1 बाई अल्फ़ा दिया हुआ है, हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम ए की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू लाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू तो हमें दिया नहीं हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो से हमारा ए की वैल्यू फाइंड नहीं होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होती है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब जो जीरो हमने माना है अल्फ़ा एंड 1 बाई अल्फ़ा, इसको प्रोडक्ट करेंगे मतलब इंटू करेंगे। तो उसके बाद इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, हमारा गिवन पॉलीनोमियल में कॉन्स्टेंट टर्म क्या दिया हुआ है, 6a दिया हुआ है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 9 दिया हुआ है। तो अभी अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा एंड यहाँ पर अल्फ़ा, एक अल्फ़ा ऊपर एक अल्फ़ा नीचे, तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 1 रहेगा। इक्वल टू जो लेफ्ट राइट साइड का टर्म है, राइट साइड एज इट इज़ रहेगा। अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर 1 है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अगर 1 के नीचे हम 1 मानेंगे तो इस 1 से ए स्क्वेयर प्लस 9 इंटू होगा, और इस 1 से 6a इंटू होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ए स्क्वेयर प्लस 9 इक्वल टू 6a, ये आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। तो अभी क्या करेंगे, 6a को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे। तो ए स्क्वेयर जो राइट में 6a है उसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे। लेफ्ट साइड में लाने के बाद क्या होगा, माइनस 6a होगा, राइट में तो प्लस में था इसलिए माइनस होगा। तो यहाँ पर प्लस नाइन एज इट इज़ रहेगा, और राइट साइड में क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये 6a को लेफ्ट में रहने के बाद ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या, मिडिल टर्म जो होती है, मिडिल टर्म को हमें अभी क्या करना है, स्प्लिटिंग करना है। तो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिटिंग करते हैं, जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना हमारा दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म क्या दिया हुआ है, कॉन्स्टेंट टर्म 9 दिया है। तो 1 से अगर 9 को इंटू करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 से अगर हम 9 को इंटू करेंगे तो हमारा 9 आता है। तो मिडिल टर्म हमारा 6 दिया हुआ है। तो मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिटिंग करना है, दो नंबर से दो नंबर को इंटू करने से हमारा 9 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने से हमारा 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने 3+3 माना है मिडिल टर्म को, यहाँ पर 6 है, 6 के जगह हम 3+3 लिख सकते हैं। तो 3+3 अगर करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, 3 से 3 इंटू करेंगे तो 9 होता है। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद ये होता है। अभी क्या करेंगे हम, जो क्या करेंगे, अभी हम जो 3+3 के बाहर जो ए है, ए से हम इन दोनों 3 को क्या करेंगे, इंटू करेंगे। इंटू करने के बाद क्या होता है, देखिए तो इंटू करने के बाद ये होता है, ए स्क्वायर माइनस 3 है, माइनस 3 ए प्लस
9 ए होता है। तो अभी क्या करेंगे, जो फास्ट दो टर्म है ए स्क्वायर माइनस 3 है, ए स्क्वायर माइनस 3 से हमारा क्या कॉमन जाता है, यहाँ से ए कॉमन जाता है। तो अगर ए कॉमन लेंगे तो हमारे यहाँ पर ए माइनस 3 रहता है। अभी ए लास्ट दो टर्म है, लास्ट दो टर्मों में से हमारा क्या कॉमन जाता है, 3 कॉमन जाता है, माइनस 3 कॉमन जाता है। तो अगर माइनस 3 कॉमन लेंगे यहाँ से तो हमारा क्या रहेगा, ए माइनस 3 रहेगा। अभी कॉम्प्लीट टर्मों में से हमारा ए माइनस 3 कॉमन जाता है। तो अभी अगर हम ए माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, यहाँ पर ए रहेगा और यहाँ पर माइनस 3 रहेगा, तो ए माइनस 3 रहेगा। अभी देखिए इन दो टर्म, दोनों ही टर्म ए माइनस 3 ए माइनस 3 है, तो ए माइनस 3 ए माइनस 3 हम ए माइनस 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर है स्क्वायर को हम राइट साइड में लाएंगे तो क्या होगा, राइट साइड में हमारा 0 दिया हुआ है तो इसको 0 हो जाएगा, तो ए माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू फाइंड करना है, ए को लेफ्ट में रखिए और माइनस 3 जो है माइनस 3 राइट में राइट में दे दिए, तो क्या होगा हमारा ए इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो हमारा ए की वैल्यू कितना फाइंड हुआ है, 3 फाइंड हुआ है। ऐसे करके आप जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया होता है उसका ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।